स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आपने जो है मेरा ये इस चैप्टर का पहला जो पेज है, मैंने वीडियो बना चुका है इसका, एक छोटा सा मैंने वीडियो बनाया है, आप लोगों ने देख लिया होगा। ठीक है, अगर नहीं देखा होगा तो अपने दोस्तों से कांटेक्ट करके जो बच्चे देख चुके हैं उनसे पूछ के देख लीजिएगा। ठीक है ना, अब जो है हम लोग चलते हैं इस चैप्टर के सेकेंड पार्ट पे। ठीक है ना, जो ये आपके चैप्टर का मेन पार्ट है। ओके, और इस पेज पे आपको दिख रहा होगा आपका पहला जो टॉपिक है योर सराउंडिंग। ठीक है, योर सराउंडिंग दिख रहा है इसमें। ओके, उसके बाद से जो है इसमें आप देख सकते हैं पूरा ये आपका सराउंडिंग एक जो है बना के दिखाया गया है। सराउंडिंग जो हमारे चारों तरफ जो भी जिसकी जैसा सराउंडिंग होता है, ठीक है ना, जो भी हमारे चारों तरफ एरिया है, अब वो कुछ भी हो सकता है, आपके स्कूल के आसपास का, आपके घर के आसपास का, वो जो एरिया होता है ना, आपका ग्राउंड हो गया, पार्क हो गया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सराउंडिंग कह सकते हैं। ठीक है ना, और इस सराउंडिंग में जो इस आपके पेज पे दिखाया गया, इसमें आप देख सकते हैं क्या क्या दिखाया गया। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बच्ची झूला झूल रही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कार्स दिखाई दे रहे होंगे कई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्कूटर दिखाई दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ लोग सामान ले रहे हैं दुकान से, ऐसे ही जो है ना मिलके एक पूरा सराउंडिंग बनाता है। ठीक है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग सराउंडिंग कहते हैं। ओके, हेलो फ्रेंड्स। उसके बाद से इसके जस्ट नीचे ये जो है आपका बॉक्स दिया गया है, जिसमें इसमें बॉक्स में आपको बताया गया है कि जो भी आपके सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं, जिस आपके यहाँ पे छह बॉक्स दिए गए हैं, जैसे कि पहले में बर्ड्स दिया गया है। ठीक है, दूसरे में आप देख सकते हैं डॉग्स दिया गया है, दूसरे में एक डॉग का फिगर है। ओके, यहाँ पे पहला बर्ड है, डॉग है, डॉल्फिन है, जेब्रा है, ट्री है, डस्टबिन है। ठीक है, तो जो भी आपके सराउंडिंग में चीज़ें इसमें से कुछ भी होगा तो आप उस पर टिक कर सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें होती हैं, एरिया होती हैं, उसे ही क्या कहते हैं, सराउंडिंग कहते हैं। तो इसमें और कुछ नहीं, इसमें बस सराउंडिंग को समझाया गया है। तो सराउंडिंग क्या होता है, सराउंडिंग होता है हमारे चारों तरफ की चीज़ें। ठीक है ना, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, हमारे चारों तरफ का एरिया, भाग, हिस्सा। ठीक है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सराउंडिंग कहते हैं। और इस तरीके से जो है आपका ये सेकेंड पेज भी हो जाता है कंप्लीट। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम लोग तीसरे पेज पे। ओके, और तीसरे पेज का आप लोग पहला टॉपिक देख ही रहे हैं, क्या है, क्लीन एंड ग्रीन सराउंडिंग, यानी कि साफ़ सुथरा और हरा भरा सराउंडिंग, जो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। ठीक है ना, हमारी सराउंडिंग कैसी होनी चाहिए, तो क्लीन एंड ग्रीन सराउंडिंग। ओके, और हम लोग अगर चाहें तो अपने सराउंडिंग को हम लोग साफ़ सुथरा रख सकते हैं। ठीक है ना, हम लोग अपने सराउंडिंग को साफ रख सकते हैं, और कैसे, तो यही इसमें हम लोग जानेंगे। आइए जानते हैं कि क्लीन एंड ग्रीन सराउंडिंग क्या होता है। ओके, तो इसमें आप लोग देख रहे हैं कि एक जो चाइल्ड है वो क्या कर रहा है, जो भी हमारे कूड़ा है उसको कहाँ डाल रहा है, डस्टबिन में डाल रहा है। अगर हम ऐसा करते हैं, कोई भी रैपर हो, कोई भी सामान हो, तो हम लोग को उसे जो है, जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल है उसको हमें कहाँ डालना चाहिए, तो अपने डस्टबिन में डालना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने सराउंडिंग को क्लीन रख सकते हैं। ओके, और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो लिखा है कि वी कैन फॉल इल इफ़ आवर सराउंडिंग आर डर्टी, यानी कि हम लोगों को बीमार हो सकता है, हम बीमार हो सकते हैं यदि हमारा सराउंडिंग गंदा हो। ओके, और यहाँ पे कह रहा है कि हम अपने सराउंडिंग को ग्रीन रख सकते हैं, हरे भरे पेड़ पौधे लगा के, और ट्रीज जो है हमें हमारा मदद हर तरीके से करते हैं, बहुत तरीके से करते हैं। क्लीन एंड ग्रीन सराउंडिंग हेल्प अस टू स्टे हेल्दी, यानी कि जो साफ और हरा भरा जो सराउंडिंग है वो हमें हेल्दी रखने में हमारा मदद करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं, डू नॉट लीटर, डू नॉट लीटर यानी लीटर का मतलब होता है थ्रो वेस्ट अराउंड, है ना, लीटर यानी कि हमें लीटर नहीं करना चाहिए, यानी कि जो भी हमारा वेस्ट है उसको चारों तरफ नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है, उसे हम लोग को कहाँ डालना चाहिए, तो डस्टबिन में ही डालना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे कह रहा है कि हमें लीटर नहीं करना चाहिए, और लीटर का मतलब होता है थ्रो वेस्ट अराउंड, यानी कि हमें जो है वेस्ट को चारों तरफ नहीं फेंकना चाहिए। ओके, और इस तरीके से थर्ड पेज का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन अभी ये आपका पेज पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, इसमें जो है अभी नीचे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक फैक्ट दिया गया है। फैक्ट में जो लिखा गया है कि स्वच्छ भारत मिशन वॉज स्टार्टेड इन इंडिया टू कीप द सराउंडिंग क्लीन, है ना, यहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन जो है गवर्नमेंट के द्वारा
स्टार्ट किया गया है ये हमारी सराउंडिंग को साफ रखने के लिए, ओके। और यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फिगर में, यहाँ पे दो चिल्ड्रन भी दिए गए हैं जो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सैपलिंग कर रहे हैं यानी कि पौधा लगा रहे हैं, ठीक है, दिख रहा है ना। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे दिखाया गया है सैपलिंग कर रहे हैं ये छोटे बच्चे जो है, सैपलिंग यहाँ पे कर रहे हैं, देख सकते हैं। यानी कि ऐसा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने सराउंडिंग को ग्रीन रख सकते हैं, और ग्रीन सराउंडिंग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और ये पूरा चैप्टर पढ़ के आप लोग को तो ये तो क्लियर हो गया होगा कि सराउंडिंग होता क्या है। यहाँ पे आप लोग डेफिनेशन उसका देख सकते हैं, सराउंडिंग की परिभाषा, द एरिया अराउंड यू इज कॉल्ड योर सराउंडिंग्स, द एरिया अराउंड यू इज कॉल्ड योर सराउंडिंग, यानी कि आपके चारों तरफ जो भी एरिया है उसे हम लोग क्या कहते हैं। ओके, वेरी गुड, बोल दिया आप लोगों ने, ओके वेरी गुड, चलिए ठीक है। और इस तरीके से जो है आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ओके। और आप लोग जो है अब हम लोग इसके अगले वीडियो में इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग, एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें करेंगे।